गुरुग्राम से भी बड़ी खबर की बात करेंगे। शराब तस्करी की बड़ी खेप बरामद हुई है गुरुग्राम में। क्राइम ब्रांच ने शराब के दो ट्रक यहां जब्त कर लिए हैं। ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं क्राइम ब्रांच की। छापेमारी के दौरान 820 पेटी शराब की भी मिली है। गुजरात और बिहार में सप्लाई की आशंका फिलहाल जताई गई है। रेड में 820 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात और बिहार में ये सप्लाई होनी थी, ऐसी आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर ढूंढ लिए जाएंगे। तो गुरुग्राम में ये शराब जो पाई गई है दो ट्रकों में, उसको लेकर सूचना पुलिस को मिली थी, क्राइम ब्रांच को मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सुनील यादव ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, और क्या जानकारी पुलिस ने दी है इस पूरे मामले को लेकर? कोई सुराग ऐसा मिल पाया हो कि वाकई में ये गुजरात या बिहार में सप्लाई होनी थी शराब? देखिए कमल, पुलिस ने जो दो ट्रक पकड़े हैं इनसे तकरीबन 1 से 870 जबकि दूसरे से 840 के आसपास शराब की, जो अंग्रेजी शराब की पेटी है, वो बरामद की है। पुलिस ने अंदेशा ऐसा जताया है कि इन राज्यों में इन शराबों की सप्लाई हो सकती थी। हालांकि पुलिस अभी पूरे छानबीन में जुटी हुई है और देखना होगा कि कब तक पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर पाएगी कि आखिरकार जो ये शराब पकड़ी गई है इसके पीछे असल मकसद क्या है और कहां लेकर जाई जा रही है। सुनील, अगर ये आशंका जो शक है फिलहाल पुलिस का, अगर ये सच्चाई में तब्दील होता है, क्योंकि गुजरात और बिहार में शराब बैन है, तो बड़े नेक्सस का भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल कमल, बड़े एक रैकेट का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने जिस तरीके से अंदेशा जताया है उसे कुछ क्लू मिले होंगे, तभी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन शराबों को बिहार और गुजरात में ले जाया जा रहा था। चूंकि पुलिस अभी पुख्ता तौर पर इसलिए कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि जो ट्रक चालक थे वो ट्रक छोड़कर इसमें भाग गए हैं, फरार हो गए। इसीलिए पुलिस अब जो ट्रक के मालिक है, किसके नाम पर ये ट्रक रजिस्टर है और कहां से ये आया था, पूरी सीसीटीवी की डिटेल्स पुलिस पूरा ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में और इस तरीके से जब ये छुपाकर शराब लाई जा रही थी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि नीचे शराब की पेटियां रखी हुई थी जबकि ऊपर ट्रक में पटली डाली गई थी ताकि किसी प्रकार का शक ना हो। लेकिन पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने इस ट्रक को रोका और इनको जब जांच की गई उन बद्दी को हटाकर, तो पुलिस भी बहुत अच्छी रहेगी। और तब तक जब पुलिस जांच कर रही थी उसी दौरान एक मौका पाकर जो ट्रक चालक थे वो मौके से फरार हो गए। अब पुलिस पुख्ता जानकारी जुटाने में लग गई है कि आखिरकार ये ट्रक कहां से आ रहे थे और क्या वाकई में इनको बिहार और गुजरात सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर और बताया है कि पुलिस फिलहाल जांच कर ही रही है। जो ट्रक मालिक है उससे संपर्क साधा गया है, उससे जरूर पूछताछ होगी, क्योंकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था जब पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर ही ये छापेमारी, ये रेड की गई थी।